दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि पुलिस त्योहारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना नियमों के तहत जवान सुरक्षा में तैनात हैं। दिवाली पर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती होती है, जिसे दिल्ली पुलिस किस तरह से निभा रही है इसको लेकर बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना हमारे साथ हैं। सर, इस बार भी चुनौती दोहरी है क्योंकि एक तरफ दिवाली का मौका है, आतंकी गतिविधियाँ तेज है, धमकियाँ मिलती हैं और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल, कैसे चुनौती मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है, दिल्ली देश की राजधानी है, जिस तरह का थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अपने आप को तैयार रखना है। फेस्टिवल सीज़न है तो बाज़ारों में, पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में पब्लिक की आवाजाही ज़्यादा है, सड़कों पे भी ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए सिक्योरिटी की फीलिंग होना जनता में ज़रूरी है। तो पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं और स्ट्रीट पे पुलिस का डोमिनेशन रहे इस तरह की कोशिश की गई है, पेट्रोलिंग पीक आवर्स में ज़्यादा रहे, ऑफिसर ओरिएंटेड पेट्रोलिंग रहे और जो शेडो एरियाज हैं वहाँ पे भी फिजिकल प्रेजेंस पुलिस की ज़्यादा रहे, ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है। एंटी टेररिस्ट मेजर्स जो भी लिए जाने चाहिए वो सारे लिए गए हैं, मॉक ड्रिल्स कराए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन प्लेस हैं और जो भी प्रोफेशनल तरीके से सिचुएशन को हमें हैंडल करना है हम लोग कर रहे हैं, साथ में कोविड प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है तो उसके लिए भी ऑफिसर्स को और फोर्स को ताकीद की गई है। साथ में पुलिस ऑफिसर्स और जवानों को भी अपनी सेफ्टी के लिए कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, ऐसी भी